प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए हमने संघर्षकालीन भारत में खिलजी वंश पढ़ा था पिछले अध्याय में, और उसी परिप्रेक्ष्य में अपन आगे पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश या शासनकाल, इसमें विशेष रूप से यदि योगदान देखने को मिलता है तो गयासुद्दीन तुगलक, गाजी गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद में आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम था जूना खान, जिसका नाम था जूना खान। उसके बाद में फिरोज तुगलक जिसको शासन सुधारों और बहुत सारी सफलताओं के लिए जाना जाता है। अपन तुगलक शासनकाल में इन तीनों का अध्ययन आज यहाँ पर करेंगे। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में खिलजी सुल्तान खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली का सम्राट बना और दिल्ली की शासन सत्ता अपने हाथों में इसने ले ली और संपूर्ण शासन व्यवस्था संपूर्ण कार्य की देखरेख गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में होने लगी। ये एक योग शासक था, साथ ही साथ महत्वाकांक्षी था और इसके शासनकाल में बहुत सारे विजय अभियान किए गए इसने किए। इसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक जिसको अपन जूना खां के नाम से भी जानते हैं उसने भी किए और उनको सफलता मिली। अनेकों मित्रों का सामना गयासुद्दीन तुगलक ने किया और उसको काफी हद तक सफलताएं प्राप्त हुई। अपन यदि विद्रोह की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने अनेकों विद्रोह किए, सफलताएं मिली और काफी इसने सराहनीय कार्य किए जिनके लिए गयासुद्दीन तुगलक जाना जाता है। हम कह सकते हैं कि तुगलक वंश की स्थापना में यदि किसी योगदान है तो वह है गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद में इसने वारंगल अभियान पर अपने पुत्र जूना खां, जूना खां जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम है, उसको इसने वारंगल अभियान पर भेजा और वारंगल अभियान पर भेजने के बाद उसने वारंगल पर विजय प्राप्त की और अपने तुगलक वंश के साम्राज्य में वृद्धि की। वारंगल अभियान तेलंगाना के राजा रुद्रदेव के खिलाफ किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और मोहम्मद बिन तुगलक को भेजने वाला उसका पिता कौन था, गयासुद्दीन तुगलक जिसे अपन जूना खां के नाम से भी जानते हैं, और बड़े पराक्रम के साथ वो युद्ध लड़ा और उसमें राजा रुद्रदेव को पराजित किया और वारंगल पर अपना एक छत्र एक अधिकार राज स्थापित किया। अपने पुत्र जूना खां, जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा और सफल रहा, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। अब आता है सफलता पर सफलता प्राप्त कर रहा था गयासुद्दीन तुगलक अपने पुत्र जूना खां के माध्यम से, खुद स्वयं संघर्ष करता था, अभियान पर जाता था और सफलताएं मिली। उसने अनेकों अनेक कार्य किए, उसके साम्राज्य में काफी कुछ जो है विकास कार्य किए गए। गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान की बात करते हैं तो बंगाल के विद्रोह का दमन था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल विद्रोह का दमन किया और बंगाल पर एक क्षत्रराज स्थापित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हमको देखने को मिलती है। अतः तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक का योगदान अविस्मरणीय रहा है। उसने तुगलक साम्राज्य में वृद्धि करने के लिए काफी मेहनत की, अनुशासन और संघर्ष जो उसने किया वो इतिहास में अलग रूप में देखा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में, दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में उसकी मृत्यु लकड़ी के भवन गिरने के कारण होती है। दिल्ली में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया जहां पर गयासुद्दीन तुगलक को बुलाया गया। वहां लकड़ी का भवन जो था उसमें उस स्वागत समारोह आयोजित किया जा रहा था। जैसे ही वो वहां प्रवेश किया, स्वागत समारोह चल रहा था, उसी समय लकड़ी का भवन जो है नीचे गिर जाता है और गिरने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के तदुपरांत यदि हम बात करते हैं तो वो व्यक्ति था जूना खां जिसने उसकी गद्दी को संभाला, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां जिसे इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उसने सिंहासन पर अपना एक छत्रराज स्थापित किया और अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा किया और वह एक उदारशील जुझारू और
योजनाओं से बलापूर्वक शासक था। उसने अपने काल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसके लिए मोहम्मद तुगलक को जाना जाता है, लेकिन इतिहास में उसको कुछ योजनाओं, जो उसकी योजनाएं थी वो समय पर लागू नहीं हो सकी या समय विपरीत रहा होगा, जिसके कारण वो योजनाएं क्या हो गई उसकी असफल रही, और उसको इतिहास में हम पागल शासक के नाम से भी जानते हैं। वो पागल शासक यदि कोई है तो उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक और जूना खान। पहली बात करते हैं हम मृत्यु के बाद में, अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में दिल्ली का सम्राट बना मोहम्मद बिन तुगलक, और उसको अपन यदि बात करें तो रक्त का प्यासा आदि नामों से, आदि संज्ञाओं से उसको विभूषित किया गया है। यदि एग्जाम में प्रश्न आता है कि रक्त का प्यासा किसे कहते हैं तो आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था जूना खान। इसका साम्राज्य यानी कि प्रांत, इसका साम्राज्य 23 प्रांतों में विभक्त था। इसका साम्राज्य किसका साम्राज्य? मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसे इतिहास में पागल शासक कहते हैं, जिसका नाम था बचपन का चूना का। उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में विभक्त था और उन विभागों की संपूर्ण देखरेख का नियंत्रण इसी के हाथों में हुआ करता था। मंत्रिमंडल थे, विभाग थे, अलग अलग तरह के इन्होंने अपनी विभागों की नियुक्ति कर रखी थी, विभाग बना रखे थे, जिसमें अलग अलग संगठन थे, न्याय व्यवस्था, फौजदारी, दीवानी, मुकदमे और तुम्हारे इसके अलावा केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था आदि सभी विभागों को इसने स्थापित किया हुआ, जिनके माध्यम से संपूर्ण शासन संचालन किया करता था मोहम्मद बिन तुगलक। यदि हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो उसने अपने कार्यकाल में 5 योजनाएं लागू की थी। 5 योजनाएं लागू करने वाला व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे सबसे पहली योजना थी दो आम में कर वृद्धि, दो आम में कर वृद्धि कर दी। पहला योजना थी दुआ में कर वृद्धि। जिस समय अकाल पड़ रहा था, लोग बड़े परेशान थे, चारों ओर अशांति का वातावरण था, उस समय मोहम्मद तुगलक ने दुआ में कर वृद्धि कर दी। लोग दुखी तो थे ही, और ज्यादा दुखी हो गए, उनके ऊपर कर का भार और अधिक आ गया, जिसके कारण वो समझ ले सके ये एक इसकी ऐसी योजना थी जो सफल नहीं हो सकी। दूसरी योजना थी देवगिरी या दौलताबाद, राजधानी परिवर्तन। इसके अगली योजना थी राजधानी परिवर्तन। यह अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, जिसको देवगिरी भी कहते हैं, वहां ले गया, और वो राजधानी परिवर्तन भी इसका ठीक नहीं था, गलत था, सही समय पर इसने चयन नहीं किया अपना, और राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद ले गया, जो भी एक गलत साबित हुआ, जिसके कारण भी इसको काफी असफलता का सामना करना पड़ा, और ये योजना भी इसकी असफल मानी जाती। उसके बाद में आता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, यदि हम बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सोने के सिक्के जो मुद्रा के रूप में चला करते थे, चांदी और सोने के सिक्के चला करते थे, लेकिन उसने क्या किया साहब, उस मुद्रा को बदलकर, सोने और चांदी की मुद्रा को बदलकर उसने तांबे और कांसे के बने सिक्कों को जारी किया। लोगों ने क्या किया था, सोने और चांदी को अपने घरों में इकट्ठा कर लिया, अपने कोष में इकट्ठा कर लिया, और घर घर में टकसाल बन गई। चांदी और सोने के सिक्के तो लोगों ने भर लिए, और साम्राज्य में तांबे और कांसे के मिश्रण सिक्के चलाए, जिसके कारण घर में टकसाल बन गई। लोगों ने घर घर में ही नोट छापने की, सिक्के छापने की मशीन बना ली। अतः सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी एक योजना थी जो पूरी तरह से असफल हुई, और यह भी एक गलत काम था जो मोहम्मद तुगलक ने कहा था। इसके बाद में आती है खुरासान पर चढ़ाई या आक्रमण। खुरासान पर आक्रमण, उस समय जब खुरासान पर आक्रमण किया, उस समय बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, सैनिकों ने खुरासान पर चढ़ाई कर दी, बहुत सारे सैनिक चढ़ते चढ़ते जो है घायल हो गए, ठंड के मारे ठिठुर गए, और उनकी मृत्यु हो गई। वो भी उसकी एक योजना थी जो पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। करासन पर चढ़ाई है, खुरासान पर चढ़ाई है, खुरासान पर आक्रमण,
खुरासन पर जो था आक्रमण किया वो उसका विफल रहा, सही समय पर उसने खुरासन पर आक्रमण नहीं किया। इसी प्रकार से कराजल पर जो आक्रमण किया, कराजल जो था उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी वहां पर, वो भी जो है उसका सफल नहीं हो सका, बहुत सारे सैनिक उसके मारे गए और इस तरह से कराजल पर चढ़ाई, कराजल पर चढ़ाई के कारण जो है सैनिक ठंडी हवाओं और बर्फीली हवाओं के कारण जो है मृत्यु को प्राप्त हुए, वही योजना है सफल नहीं। इस तरह से हम बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कार्यकाल में 5 योजनाएं लागू की। उसकी पहली योजना थी दो आप कर में वृद्धि, जब किसानों की स्थिति ठीक नहीं थी तो उसने दो आप कर में वृद्धि कर दी, किसानों पर कर बाहर लगा दिया जिससे उनकी माली हालत और ज्यादा खराब हो गई। अगली योजना थी देवगिरी को राजधानी बनाना, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया, वो भी सही नहीं था, ये भी असफल साबित हुई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सोने और चांदी के सिक्कों की जगह उसने तांबे और कांसे के सिक्के चलाए और जिससे घर घर में टकसाल खुली और लोगों ने जो है मुद्रा जो है तांबे की और कांसे की बनाना आरंभ किया, सोने के भंडार अपने यहाँ इकट्ठे किए, ये भी असफल रही। खुरासन पर चढ़ाई, खुरासन पर आक्रमण किया जिसमें भी उसको सफलता नहीं मिली, कराजन पर चढ़ाई, उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी, सैनिक को लेकर चढ़ गया कराजल पर, इसके कारण उसके सैनिक जो है सर्दी के कारण बहुत आहत हो गए और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह से इसे किसी भी योजना में पूरी तरह से सफलता नहीं मिली, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में हम पागल शासक के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आता है पागल शासक किसे कहते हैं, तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक। रक्त का प्यासा कौन सा शासक है साहब, मोहम्मद बिन तुगलक। जिसकी योजनाएं असफल हुई वो कौन सी शासक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक ने एक योग शासक था लेकिन उसकी योग्यता समय से पहले थी, वो सही समय पर सही काम नहीं कर सका, इसलिए इतिहास में उसको हम पागल शासक के नाम से जानते हैं। माना कि वो ईमानदार था, महत्वाकांक्षी था, दूरदर्शी था, सब कुछ था, सभी गुणों से ओतप्रोत था, लेकिन वह अपनी योजनाओं को सही समय पर उसका उपयोग नहीं कर सका, सही समय पर उसने योजनाएं लागू नहीं की जिसके कारण वो अपनी योजनाओं को सफल अंजाम नहीं दे सका और वो इतिहास में पागल शासक के नाम से जाने लगा। इसी के काल में तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हमें बात करते हैं मौर्यों को याद करिए, इब्न बतूता भारत आया और उसने भारत आया और मोहम्मद तुगलक के काल में इसने आया और सुल्तान ने इसे काजी नियुक्त कर दिया। मोहम्मद तुगलक काल पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को निवासी कौन था जो भारत आया था, अपन बात करते हैं साहब वह था इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया, किसके काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, जिससे जिसको उसने काजी नियुक्त किया और उससे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करी। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को काफी सपोर्ट किया, काफी सारी जानकारियां दी और साम्राज्य की वृद्धि में उसने अपना योगदान प्रदान किया। ऐसा बताते हैं कि इसको राजदूत बनाकर के इसको मोरक्को निवासी जो था इब्न बतूता उसको राजदूत बनाकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा था, क्योंकि वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था इब्न बतूता और चीन राजदूत बनाकर भेजा था, चीन के घटनाक्रम से उसको बराबर जानकारी मिलती रहे, इसलिए उसने उसको राजदूत नियुक्त किया। विधि की विडंबना ऐसी थी कि 1354 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, अतः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां होती है 1351 ईस्वी में। उसकी मृत्यु के बाद यदि हम बात करते हैं कि दिल्ली का सम्राट कौन बना, तो होता फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को सुधारों के दृष्टिकोण से जाना जाता है, उसने अनेकों अनेक ऐसे कार्य किए जो वास्तव में जनता हित के लिए जाने जाते हैं, समग्र साम्राज्य के लिए जाने जाते हैं। इसने अपने कार्यकाल में 2 बार सैन्य अभियान किए, लेकिन फिरोज तुगलक अपने दोनों सैन्य अभियानों में असफल रहा, क्योंकि उसके अभियान जो थे वो पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से नहीं थे। यदि उसके अभियान योजनाबद्ध तरीके से होते तो सफलता मिलती, लेकिन उसने अभियानों की तरफ ध्यान देते हुए जनता हित के लिए बहुत सारे अनेकों कार्य किए, लेकिन उसने कुछ ऐसे कार्य भी किए जो उसको नहीं करने चाहिए थे, जैसे सरकारी नौकरी और सेना में नियुक्ति के लिए उसने वंशानुगत प्रणाली को अपनाया था। वंशानुगत प्रणाली क्या होती है, इसमें पिता के बाद उसका पुत्र, उसके पुत्र के बाद उसका पुत्र, यानी कि वंश परंपरा को इसने अपनाया था। योग्यता
प्रणाली को इसने महत्व नहीं दिया था, इसके कारण जो है ये पिछड़ा। कौन? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने योग्यता प्रणाली को आधार नहीं माना, योग्यता प्रणाली को त्याग दिया और वंशानुगत प्रणाली को इसने महत्व दिया, जिसके कारण इसका शासन संचालन में जो है काफी इसको बाधाएं उत्पन्न हुई। यदि हम बात करते हैं निर्माण की, तो भवन निर्माण कला में इसका अविस्मरणीय योगदान हमको देखने को मिलता है। इसने फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर आदि में बहुत सारे नगरों की स्थापना की, बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक, बहुत सारे ऐतिहासिक नगर इसने बनाए, वो था फिरोज तुगलक। तो यदि बात करते हैं कि भवन निर्माण कला में यदि किसी का अविस्मरणीय योगदान है तो है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को अपन बोलते हैं से सुधार के दृष्टिकोण से उसने बहुत सारे जनता हित के लिए कार्य किए, प्रजा हित के लिए कार्य किए, इसलिए उसको जाना जाता है। भवन निर्माण कला में फिर हिसार, फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए जाना जाता है, जौनपुर आदि में काफी नगरों की स्थापना की। इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी, जो अचीवमेंट था, वो था पानी की कमी को पूरा करना। यदि अपन बात करते हैं हांसी और सिरसा में, हांसी और सिरसा में उस समय पानी की कमी हुआ करती थी, लोगों को काफी परेशानी होती थी, उनको पूरी तरह से सिंचाई वगैरह करने के लिए जल उपलब्ध नहीं होता था। ऐसी अवस्था में उसने वहां पर नहरों का निर्माण किया। नहरों के निर्माण से जल आपूर्ति संभव हुई, जल जो था खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उसे उपलब्ध करवाया, नहरों का निर्माण करवाया, तालाब आदि खुदवाए और इस तरह से उसने पानी की कमी को दूर किया, जो कमी हिस्सा और हिसार में मुख्यतः हरियाणा क्षेत्र में देखने को हमको मिलती है। तो नहरों का निर्माण यदि बात करें तो फिरोज तुगलक का नाम सबसे ऊपर आता है। अकाल से राहत दिलाई, अकाल में उस समय अकाल की स्थिति बनी हुई थी, उस अकाल से राहत दिलाने में फिरोज तुगलक ने अविस्मरणीय योगदान है। कठोर नीति अपनाई, अनुशासन के लिए उसने कठोर कठोर कदम उठाए ताकि साम्राज्य में सुख शांति अमन चैन बना रहे, जनता जो है अपने सभी कार्यों को सही रूप से संपादित कर सके, पूरी संगठन उसका उसके साथ था, तो जनता इसके लिए कार्य किया करता था। ब्राह्मणों को उसने जजिया कर लगा दिया और जो कर प्राप्त होता था वो साम्राज्य या जनता की सेवा में लगाया जाता था। उसने अपने कार्यकाल में अंगूर जो था और खजूर को खेती को प्रोत्साहित किया, क्योंकि अंगूर और खजूर की खेती यदि किसी ने प्रोत्साहित दिया था तो वो था फिरोज तुगलक। अपने कार्यकाल में इसने अंगूर की खेती और खजूर की खेती को प्रोत्साहन दिया और अत्यधिक मात्रा में अंगूर और खजूर जो है पैदा हुआ, जिससे राज्य की आय में काफी वृद्धि हुई। अपन बात करते हैं, उसने बहुत सारे बाग लगवाए, बगीचे लगवाए, सौंदर्य के दृष्टिकोण से बाग और बगीचे जो है उसके कार्यकाल में काफी हद तक लगवाए गए। और यदि बात करते हैं सुधार की दृष्टि में, तो सुधार के रूप में भी उसने बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए जिसके लिए फिरोज तुगलक जाना जाता है। विधि की विडंबना ऐसी है, 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासक फिरोज तुगलक जो है अपने मृत्यु काल में चला जाता है। 1388 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है। उसके बाद तुगलक वंश का अंतिम शासक जिसे हम कह सकते हैं नासिरुद्दीन महमूद था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था भैया? नासिरुद्दीन महमूद, जिसने अंतिम समय में तुगलक वंश को संभाला। और उसी समय यानी कि अपन बात करते हैं तैमूर की, तो उसी समय तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को जमकर लूटा। दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था भैया? तैमूर ने, और दिल्ली को जमकर लूटा। तो एग्जाम में पूछेगा कि तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किसके कार्यकाल में किया? गयासुद्दीन महमूद के काल में इसने आक्रमण किया, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता। अब तैमूर जो था बहुत ही महत्वाकांक्षी था, पराक्रमी था, उसने बहुत ही युद्ध जीते। 1398 ईस्वी में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली को जम करके लूटा, तहस नहस कर दिया। इस तरह से तैमूर वंश आया, जो हम आगे के टॉपिक में देखेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे तैमूर वंश का आगे जाने के बाद बाबर, हुमायूं आदि आगे हम देखेंगे। लेकिन अपन आज ये तुगलक वंश के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी थोड़ी बहुत, और इसमें देखिए तुगलक वंश में बनने पड़ा था गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसके बाद में आता मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जूना खान के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है फिरोज तुगलक, जिसको सुधारक के दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे विद्रोह जीते गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में उसका पुत्र जूना खान, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, वो योजनाओं से भरा पूरा था, लेकिन उसकी कोई भी योजनाएं सही समय पर सही साबित नहीं हुई, इसलिए उसको अपन इतिहास में पागल शासक के नाम से जानते हैं। वो था मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु में उसकी बहुत सी योजनाएं थी, जो आप क्रम वृद्धि, करार पर चढ़ाई, खुरासन पर आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तुम्हारे दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले जाना, ये पांचों योजनाएं जो थी उसमें वो असफल रहा। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं फिरोज तुगलक की, तो फिरोज तुगलक जो है काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो भी आया और उसने जो है बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसके लिए जाना जाता है, जैसे नहरें बनवाना है, नगरों की स्थापना करना है, भवन निर्माण कला को प्रोत्साहन देना है, पार्कों का निर्माण करना है, अंगूर और खजूर की खेती के लिए उसने बहुत सारे अनेकों ने कार्य किए, अतः फिरोज तुगलक को सुराग दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। तो ये अपना तुगलक वंशम ने आपको पढ़ाया है और तुगलक का जो महत्वपूर्ण अगर योगदान देखेंगे तो होता मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको इतिहास में पादर शासक के नाम से जानते हैं।